सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ेंगे। हीट जनरल साइंस का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और इससे पहले भी मैंने हीट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, लाइक हीट एंड हीट क्या होता है, हीट को हिंदी में ऊष्मा कहते हैं, इसके बारे में और हीट एंड टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस, उसके अलावा हीट में टाइप्स ऑफ थर्मामीटर और थर्मामीटर क्या होता है, उनकी रेंज क्या, ये सब टॉपिक्स की वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी इनको टॉपिक्स को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब होता है हीट का ट्रांसफ़र करना या ऊष्मा का संचरण। इस वीडियो में मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसमें आप कम्फर्टेबल हो, आप उस वीडियो को उस लैंग्वेज में इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं, तीन तरीके से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक है कंडक्शन, सेकंड वन इज़ हीट कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। तो ये तीनों टाइप्स में वन बाय वन डिस्कस करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ हीट की डेफिनेशन मैंने दे रखी है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टिल बोथ अटेन द सेम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, मे बी आपको याद ना हो, मैं आपको याद दिला दूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? उसमें हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट में भी कुछ ऐसा ही होता है, जो हीट है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इट मीन्स हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, टिल दोनों सेम टेम्परेचर जब तक कि रिटेन ना कर लें। यहाँ पे हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। फर्स्ट मेथड है कंडक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं चालन। इस मेथड में क्या होता है, इट इज़ दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, द पार्टिकल देमसेल्व्स रिमेनिंग एट द रिस्पेक्टिव मेन पोजिशन, मेटल्स आर हीटेड विद दिस मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है उसमें जब हीट ट्रांसफ़र करी जाती है, या जो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी, अगर वो हीट है, वो हीट हो रही है, तो उसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से वो हीट होती है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे सॉलिड्स हैं, आपने देखा होगा कि एक चाय का कप है, हम सब लोगों को चाय पसंद होती है, तो उसमें देखिए, चाहे आप चाय बहुत ज़्यादा गर्म है और उसे अगर आप मेटल के किसी बर्तन में पीते हैं तो वो जल्दी ज़्यादा टाइम तक आपको गर्म लगती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको किसी मिट्टी के बर्तन में पीते हैं, ठीक है। तो या फिर आप स्टील या किसी ऐसे ग्लास में उसको पीते हैं तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, इट मीन्स कि मेटल ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सॉलिड का मतलब कोई भी ठोस चीज़ होती है, और एक है एच जी का मतलब है मर्क्यूरी, जिसे पारा कहते हैं हिंदी में, इसमें कंडक्शन प्रोसेस होता है। सेकंड वन इज़ शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे की जो चेयर्स होती हैं, इट मीन्स कि विंटर्स में जो वुड है या फिर जो आयरन की जो चेयर्स होती हैं वो एक ही टेम्परेचर पे होती हैं, बट स्टिल जो आयरन की जो चेयर है वो जब हम उसको टच करते हैं तो वो हमें ज़्यादा ठंडी लगती है। सेम है अगर ये चीज़ समर्स में है तो आयरन की जो चेयर है वो हमें ज़्यादा गर्म लगेगी। सेकंड वन आपका वो चाय वाला एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया था। ये सिर्फ बेसिक एग्जांपल्स हैं ये समझने के लिए कि कंडक्शन बेसिकली होता क्या है, कैसे कोई चीज़ या मेटल हीट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ हीट कन्वेक्शन। हीट कन्वेक्शन को हिंदी में संवहन कहते हैं। आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है या किसी टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। हीट कन्वेक्शन का क्या मतलब होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच द फ्लो ऑफ हीट
take place due to the motion of hot particles carrying heat with them from higher temperature to lower temperature. Water is heated by this method. अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है, एक ग्लास में पानी लिया आपने और उसे बाहर रख दिया जहाँ पे सन रेज उसके ऊपर पड़ रही हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, समर्स में वो पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, विंटर्स में टाइम लगता है और इवन वो गर्म भी नहीं होगा. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है. इसके अलावा सैंड है, जैसे किसी भी रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो गर्म बहुत जल्दी हो जाती है, और इवनिंग टाइम में, समर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, दिन में वो काफ़ी गर्म रहती है और इवनिंग टाइम में उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हीट कन्वेक्शन के. जैसे कंडक्शन मेटल्स में होता है, सॉलिड चीज़ों में होता है, सेम ऐसे ही जो हीट कन्वेक्शन है, ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वो लिक्विड्स में या फिर गैसेस के अंदर होता है, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम. इट मीन्स कि इसमें जो बीच का जो मीडियम होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ जो एक स्टार्टर है वो और जो रिसीवर है इन्हीं दोनों में चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं. वी रिसीव हीट फ्रॉम सन बाय दिस मेथड. जो सन से हमें सनरेज मिलती हैं वो रेडिएशन मेथड के थ्रू ही होता है. इसको समझाती हूँ मैं एग्जांपल लेके. जैसे सन से जो रेज आती हैं, सन रेज काफ़ी हीट वाली होती हैं, गर्म होती हैं, बीच का जो मीडियम होता है जो एयर है उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि एक मीडिएटर पे पड़ना चाहिए, ठीक है. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि अगर बहुत ही क्लाउडी नाइट है, बादलों वाली रात है, तो वहाँ पे जो क्लियर स्काई होता है उसके कंपैरिजन में वो नाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से जो एयर का ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो रात गर्म लगती है. इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल है, जो रेगिस्तान में, उसमें दिन में और रात में ठंडी, रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होता है. ये एग्जांपल मैंने हीट कन्वेक्शन में भी आपको बताया था. सनरेज की वजह से जो सैंड है वहाँ की मिट्टी, वो सारी सनरेज की वजह से गर्म हो जाती है दिन में, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, इवनिंग का टाइम आता है, तो वहाँ पे वो चीज़ टेम्परेचर कम होने की वजह से वो अपने आप ही ठंडी होने लग जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ जाते हैं, और ये चीज़ रेडिएशन में होती है. इसमें जो इंटरवेनिंग मीडियम होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. ये तीन मेथड्स से हमारे पास हीट ट्रांसमिशन के. फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, जो मेटल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है. सेकंड वन इज़ हीट कन्वेक्शन, जो सॉलिड्स एंड गैसेस के लिए होता है. एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन, जो बेसिकली रेज की फॉर्म में होता है. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे. और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा. एंड प्लीज़ वन मोर थिंग, आप चाहे लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, बट कमेंट प्लीज़ करा कीजिए. इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं. थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा.